आप लोगों को अगर कोई लाश दिख जाए ना तो आप ज्यादा सौगड़ा नहीं होंगे, लेकिन क्या हो अगर आपको लाश तो दिखे लेकिन उस लाश के चारों ओर ना सांपों का झुंड हो, वो भी उस लाश को घेरे हुए। पड़ गए ना सोच में। दरअसल अमेरिका के मैरीलैंड में रहने वाले एक शख्स अपने घर में मृत पड़ा मिला, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसकी लाश को चारों तरफ से एक दो या पांच नहीं बल्कि पूरे 124 सांपों ने घेर रखा था। जब स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई तो वहां के लोगों ने पूछताछ में बताया कि उस शख्स को एक दिन पहले से नहीं देखा गया था। फिर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। पुलिस ने जब उस शख्स के घर का दरवाजा खोला ना तब वह जमीन पर मृत पड़ा था। और हैरानी वाली बात यह है कि उस लाश के आसपास एक दो या पांच नहीं बल्कि पूरे 124 सांप मौजूद थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद सांप के हमले से उस शख्स की मौत हुई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि उस शख्स के शरीर पर सांप के काटने के कोई भी निशान नहीं मिले हैं। पुलिस को उस शख्स के घर से अलग अलग प्रजातियों के कुल 124 सांप मिले, जिसमें 14 फुट लंबी बर्मीज पाइथन भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक 30 साल के इतिहास में ना पहली बार इतने सांप एक साथ मिले हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के। पुलिस ने उन सभी सांपों को अपने कब्जे में ले लिया है और स्थानीय लोगों को ना डरने का आश्वासन दिया है। बट सवाल ये है कि इतने सांपों में से एक भी सांप ने उसे काटा नहीं तो उसकी मौत कैसे हुई, और आखिर उतने सारे सांप एक साथ वो भी अलग अलग प्रजाति के आए कहां से? आपके हिसाब से ये किसी मिस्ट्री जैसा नहीं लग रहा? वीडियो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना।